अभी तो 15 दिन के हिसाब से ही है ये बस आप लेंगे थोड़ी बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे गाइस आप लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, पहले ही प्रसाद दे दो इनको तभी आगे बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो उसका भाई पूरा आपको ब्लॉग दिखाने वाले हैं, बाकी बने रहना। हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, रेडी होंगे अभी, और थोड़ा सा इमरजेंसी काम है उसको कम्प्लीट करके आना। कहाँ जाना? हाँ, अभी हम लोग जाने वाले हैं दवाई लेने। तो मैं किसके लिए दवाई लेती हूँ, किसके लिए लेती हूँ, हमारी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप लोग ऐसे शेयर नहीं कर सकते। और हम काफी सारी मस्ती भी करने वाले हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम खाली खाली नहीं आते, मतलब थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं यार, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेडी होते हैं। और भाई इतना ज्यादा मेहनत करके हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, फेसबुक पर वीडियोस डालते हैं, आप लोग वो तो देखते ही नहीं हो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम फेसबुक को तो जाके तुरंत जाके भाई फॉलो करो जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है। और आपको पसंद आए तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ऐसा इंस्टाग्राम की आईडी बता दो, सरिता पटेल 62, सिका पटेल 765। तो जाके भाई फॉलो करो और इसी नाम से आपको फेसबुक पर पेज मिल जाएगा, सरिता पटेल सिका पटेल, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं, और भाई अपने लिए पहले तैयार होते हैं ना, फिर निकलेंगे। चलिए पहले तो यहाँ पर देखो, हमने अभी वीडियो शूट की थी और यहाँ से अपना काम धाम करके नया रूम बनाया, बट यार जैसा हमारा बजट था हमने बनवा लिया, और अभी इसमें वगैरह तो अभी इसमें पेंट होगा। इधर देखो आपको लगता होगा बहुत ज्यादा सीलन है, वीडियो में तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। इसको करा लेंगे, इसका ऐसा चीक पड़ गई, बटी सूख चुका है पूरी तरीके से, तो दीपावली तक शायद ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और इधर देखो भाई कितना ज्यादा इधर धूल वगैरह सब हो गई है, और यहाँ पर देखो भाई इधर देखो खिड़की उड़की लगी है पूरी, इधर देखो जाल भी लग चुका है हमारा, चोर आराम से चोरी करके ले जा सकता है। हाँ हाँ, खोले रहने दो। और यहाँ पे देखो हमने ये पूरा अपना जाल वगैरह लगवाया था, ये देखो पूरा भी सामान रखा है, पूरा भी रेडी होगा। बहुत खर्चा आ गया यार मजाक सेट के। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देखो हमने छोटा सा जाल लगवाया, ये आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये हमने अपने जीने पे एक छोटा सा गेट लगवाया, यहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं इस वजह से लगवाया है कुछ लोगों ने। तो चलिए भाई नीचे चलते हैं, ये देखो इसको भागने की इतनी ज्यादा जल्दी है हमारा गेट, इसको लगा देते हैं कुत्ते वगैरह ना आए, तो इसको पूरा बंद करते हैं। यहाँ पे देखो हमने ये लगवा लिए हैं एंगल, चलो भाई ये देखो पहुंच गई। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग दवाई लेने तो जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग मेसी बना के आएंगे। दाल खराब हो गई, दाल पूरी कुकल हो चुकी है। सही से दिखाना, फिर से दिखाना एक बार, दिखा दे बेटा, देखो अभी से इस पे बुढ़ापा आ चुका है, बेचारी की पूरी दाल कुकल हो गई है। और मेरे काफी दर्द भी नहीं है, और मेरे काफी दर्द भी होता है इसी वजह से, पर क्या मैंने सोचा चलो दवाई ले लेते हैं। और उधर से हमने सोचा जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना रील्स बना लाए, और रील्स बनाएंगे भाई मजेदार दिवाली की रील्स आने वाली है। काम करके अपना फ्री है मतलब पूरे दिन की, तो हमने कहा चलो रील्स बना लें। आप लोग क्या करते हैं ना, पहले जाते हैं तो मौज करने जाते हैं, काम बाद में देखते हैं, हम पहले अपना काम देखते हैं तब मौज करते हैं, तो यही अंतर है। चलिए भाई अभी हम चलते हैं, स्कूटी अपनी साफ कर ले फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है जो कि स्कूटी हमारी निकाल रही है, और भाई इसमें पेट्रोल भी पड़ेगी अभी, तो हमें सबसे पहले जाके पेट्रोल पड़वानी है इसमें, फिर निकलते हैं। अरे भाई जैसे कि हमारा घोड़ा है अगर उसे चारा ना डालो तो वो चल नहीं सकता है, ऐसे इसमें पेट्रोल। चलिए फ्रेंड्स पहले हम लोग चलते हैं, फिर इसमें पेट्रोल पड़ाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे इधर का रोड देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा चौड़ा हो गया है, और अब बहुत अच्छा रहता है, इधर भीड़ ज्यादा होती नहीं है पर खतरा उतना ज्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और ये देख सकते हैं आप लोग सरिता दीदी हैं जो कि पेट्रोल डला रही हैं, अभी भैया उधर को खड़े हुए हैं, जब इधर आएंगे तो पड़ जाएगी। तो सही है गाइस, ये जब तक डलवा लेती है फिर ही आपसे बात करते हैं हम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आ चुकी है, पेट्रोल भी हमारी डल चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास, और फिर वहां से दवा लेते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट भी नहीं है, तो फिर आपको दिखाएंगे हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं और कहाँ से दवा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग आ चुके हैं मेडिकल स्टोर जहाँ पे हमारी दवाई मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ आपको दिखाई देंगी वो सारी की सारी होम्योपैथिक दवाई है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई जैसे कि आपको पता है कोई भी नुकसान नहीं देती है, तो हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक का ही उपचार लेते हैं। बाकी ये डॉक्टर साहब है ये मरीजों को कुछ बता रहे हैं, और यहाँ पर ये हमारी दवाई लिख रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये सब हमारी दवाई ही रेडी हो रही। तो मैंने डॉक्टर से कुछ पूछा था वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये बस आप लेंगे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रहती है ना, 4-4 गोली 3 मार देते हो, 15-16 दिन ही लेंगे। तो गाइस फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग रील्स बनाने, यहाँ पे हमारे पास का एक पार्क है अक्षर विहार पार्क, सभी लोगों को पता है अक्षर विहार कहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे आ चुके हैं, अभी थोड़ी बहुत रील्स शूट करेंगे,
और आपको बैकग्राउंड में ऐसा लगता हो कि बच्चों की आवाज है, पर ये बत्तख की आवाज आ रही है, बत्तख बोल रही है इधर ही। तो और हम आपको बता दें, इसका मैंने फुल ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखा है, अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं कैसा पार्क है, वरना हम लोग तो सिर्फ रील शूट करने आए। तो चलिए फटाफट से करते हैं यहाँ पे रील शूट। बाकी यहाँ पे काफी अच्छी लोकेशन अच्छी, इस वजह से हम यहीं पे आ गए। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये पार्क नजर आएगा, आप लोग खुद देख सकते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। उधर तालाब भी है, उधर साइड में तालाब है, और उधर से देखिए वहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। बाकी बस इतना ही है, स्कूटर लगा है। तो गाइस फाइनली रील्स वगैरह बना लिए हैं। हाँ वो है, मतलब 5-6 बन गई है, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। 5 नहीं 8-10 बनाई होंगी इसने। हाँ, कम से कम नॉर्मल। और अभी वही खाने को कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल भूख लगने लगी। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि इतनी कमाई करके घर जा रहे हैं तो अब खाना तो बनता ही है। अब देखते हैं, चलिए घर से भी कुछ ज्यादा कुछ खा के नहीं आए, इसीलिए अगर इधर कुछ मिलता। बाकी पार्क अच्छा है, इस पार्क की डेकोरेशन अच्छी लगती है, सभी पार्क से अच्छी। पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब उस पर टॉप बोर्ड लगा के रखा है, सजा के शीशों की टेबलें डाल रखी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भाई चलते हैं, निकलते हैं इधर से। 2 कदम की दूरी के बाद चलने के बाद हमें मिला यहाँ पे स्टॉल गन्ने के रस का, और सीखा कह रही थी गन्ने का रस पियेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से भूख हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि तो देखिए गाइस मेरे साथ ये भी हैं, इनको देखो पूरी सेफ्टी है, हेलमेट लगा के चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे भैया बना रहे हैं, अभी आ जाता है फिर दिखाते हैं कैसे। ये देखो मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जल्दी है भैया, रस निकल चुका है, ये देखो हमारे ग्लास में पड़ चुका है। और बेटा सिखा अब ले ले, दोनों ले ले दोनों, ये ले दिखा। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने एरिया में, और यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं फ्रेंच फ्राइज टिक्की, और यहाँ पर गोलगप्पे खाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर हमारा रेगुलर का काम है आना, उसके बाद हम यहाँ से सामान लेने के बाद चलते हैं सीधे घर की तरफ। सो आई होप गाइस आज के ब्लॉग में आपको मजा आया होगा, और मजा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसने आज बहुत सारी चीजें खाई, गन्ने का रस पिया, टिक्की खाई, फ्रेंच फ्राइज खाए, मेरा पेट भैया, और क्या खाया, और कुछ नहीं बता से खाए थे, और हाँ गोलगप्पे खाए थे, बस इतनी चीजें खाई, पेट बिल्कुल भर गया हमारा, बिल्कुल हम संतुष्ट हुए। अब मुझे बहुत तेज ऐसे थकान सी लग रही है, लग रहा है सो जाओ, नींद आ रही है। मुकाम्बो खुश हुआ, खुश तो हुआ मैं, ये मुकाम्बो हमेशा खुश रहता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे से बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सीखा पटेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।